एक सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई चल रही होती है, तभी टीचर अपने जेब से 100 रुपए निकालकर स्टूडेंट से पूछते हैं कि अगर मैं ये 100 रुपए आपको दूं, तो आप इससे क्या खरीदोगे। एक स्टूडेंट कहता है चॉकलेट खरीदूंगा, एक कहता है समोसे खाऊंगा। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि मैं अपनी माँ के लिए चश्मे खरीदूंगा, उन्हें कम दिखाई देता है। टीचर कहते हैं कि बेटा वो तो तुम्हारे पिताजी खरीद लेंगे। स्टूडेंट रुआंसा सा हो गया और बोला मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांझती है। टीचर ने कहा बेटा ये लो 100 रुपए, ये मैं तुम्हें इनाम नहीं दे रहा, ये मैं तुमको उधार दे रहा हूँ, जब तुम जिंदगी में कुछ बन जाओगे तो मुझे वापस कर देना। फिर 20 साल बाद उसी स्कूल के अंदर क्लास चल रही होती है, तभी एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से कलेक्टर साहब निकलते हैं। कलेक्टर साहब सीधे क्लास के अंदर जाते हैं और बूढ़े टीचर के चरण छूते हैं और कहते हैं कि मैं वही स्टूडेंट हूँ जिसे आपने 100 रुपए दिए थे, आज मैं आपके 100 रुपए लौटाने आया हूँ, आपकी कृपा से कलेक्टर बन गया हूँ। निष्कर्ष, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो आप कुछ भी बन सकते हैं।